नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं और आप सीधे न्यूज रूम के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। अगले एक घंटे तक सीधे न्यूज रूम से आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें अपडेट के साथ अभिषेक। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले एक घंटे तक सीधे न्यूज रूम से देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजक। तो सीधे न्यूज रूम से लगातार एक घंटे तक आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिस पर आपको अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आज सीधे न्यूज रूम से हम आपके लिए कौन सी खबरें चुनकर लाए हैं। तो चलिए जल्दी से दिखा देते हैं आपको कि आज वो कौन सी खबरें जो सीधे न्यूज रूम का हिस्सा बनने वाली है। तो पहली खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान में गहलोत का गेम क्या है, इसे समझने की जरूरत है। इस गेम को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए दौड़ में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दूसरी खबर की बात करेंगे पीएफआई की सफाई को लेकर के कि आखिरकार किस तरीके से एनआईए ने आज फिर से रेड डाली है। आखिरकार वो देश के कौन से राज्य है जहां आज रेड डाली गई है और कितने लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे सीधे न्यूज रूम से। तीसरी खबर है देवभूमि के दानवों को फांसी कब, ये सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है। और इस पूरे मामले में अपडेट किया है क्योंकि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे सीधे न्यूज रूम से। बिल्कुल। और बात करेंगे आजाद का मिशन कश्मीर, आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस से अलग होते हैं और अलग होने के साथ साथ ये संकेत दे देते हैं कि आखिरकार अपनी नई पार्टी बनाएंगे। नई पार्टी बना ली है, जोश कैसा है और क्या कुछ का है आपको सुनाएंगे सीधे न्यूज रूम। इसके अलावा पांचवी खबर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। तीखी तकरार और सेशन स्वीकार, ये दरअसल पंजाब की सियासत जुड़ी हुई बहुत अहम खबर है। आपको याद होगा कि जब सरकार चाहती थी कि वहां पर सेशन हो, राज्यपाल ने अड़ंगा लगा दिया था, बाद में फिर से सेशन शुरू हुआ है। आज एक दिवसीय सेशन है, इसमें क्या तस्वीरें निकल के सामने आई है ये आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। अब बात करेंगे दोस्त के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। शिंजो आबे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है और इस दौरान तस्वीर कैसी रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या कुछ हुआ है जानकारी। इसके अलावा साथी खबर है रूस यूक्रेन जंग में पाक की एंट्री हुई है, ये एंट्री क्या है, क्या पाकिस्तान अब रूस के करीब ना होकर के यूरोप के करीब हो रहा है, अमेरिका के करीब हो रहा है, ब्रिटेन के करीब हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत चीजें बदलने वाली, इंटरनेशनली कूटनीतिक बदलाव आखिर पाकिस्तान के रुख में क्यों आया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इसी बुलेटिन। रूस के स्कूल में फायरिंग हुई है, अभी तक आपने देखा होगा कि अमेरिका में किस तरीके से जगह जगह पर फायरिंग हो जाती है, लेकिन अब वाक्य है रूस का जहां पर फायरिंग हुई है और इस पूरी फायरिंग में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए, जानकारी देंगे सीधे न्यूज से। चलिए लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आशा पारेख से जुड़ी हुई। आशा पारेख के बारे में बड़ी खबर यह है कि उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म जगत का यह सबसे बड़ा सम्मान है और आशा पारेख को इस सम्मान के लिए चुना गया है। आशा पारेख को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड मिलने वाला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, उसे सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख को उनका नाम इसके लिए चुन लिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले महाफिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज़्यादा पिक्चर्स में उन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। चलिए बात सियासत की करेंगे और सियासत भी किसकी, कांग्रेस के अंदर की सियासत। कांग्रेस के अंदर जो सियासत चल रही है ना वो जबरदस्त है, जबरदस्त गेम दिखाई दे रहा है। और एक जादूगर कहा जाता है कांग्रेस के अंदर, वो जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत साहब और उन्होंने जादू कर दिया है राजस्थान में। क्या जादू है बता रहे अभिषेक। अभिषेक देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अशोक गहलोत जो है वो राजनीति के जादूगर हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से जयपुर में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं कुछ आ रही हैं। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे कि गहलोत का गेम आखिर है क्या। सर्वमान्य नेता है, जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकारी ऑब्जर्वर्स को। आप मुझे एक बयान इतना जल्दी ऑब्जर्वर्स को नाराज नहीं होना चाहिए,
पांच दिन रुकिए ना आप, आपका परिवार आप पांच पांच दिन पहले भी रुके हो, ऐसे गुस्सा राजनीति में नहीं होता। देखिए राजस्थान में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इतना तो वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पार्टी और जिस पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ पलायन की के पराक्रम, और उस पराक्रम में जो है वो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कई लोग मुझे ये भी कहते सुन रहे हैं कि खुद ही कांग्रेस के कुछ नेता चोर से कह रहे हैं चोरी करो और मोहल्ले वालों को कह रहे हैं कि जागते रहो, तो खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गई है। देखिए मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, संभवतः किसी और पार्टी का उतना बड़ा विशाल इतिहास नहीं है, तो जाहिर तौर पर अभी एक संक्रमण काल है जो कई गाहे बगाहे दिखा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। और उस दल के बारे में क्या वो निर्णय लेंगे मैं उसके बारे में टिप्पणी मैं करूं वो उचित नहीं है, लेकिन इतना आशा जरूर है कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे और आने वाले दिनों के लिए आवश्यक है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, ताकि विपक्ष ने जो एक बिहार से जो एक हवा चली है वो और बलवती हो। तो राजस्थान कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, राजस्थान कांग्रेस दो फाड़ दिखाई दे रही है इन सब घटनाक्रम के बीच। दिव्या मदेना जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी लोकेश नागर। साथ ओसिया से विधायक दिव्या मदेना है। दिव्या जी किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि राजस्थान के साथ पूरे देश की नजर राजस्थान पे इस समय कांग्रेस में, ये क्या हो रहा है? अनुशासनहीनता है धारीवाल जी और महेश जोशी जी की। किस तरह से देखते हैं? विधायक नहीं है इनके साथ में, 92 विधायक का मामला सब झूठा है और जो भी आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स पे लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने आए थे, जो कि कांग्रेस का कल्चर है, पूरे हिंदुस्तान में होता है, राजस्थान के अंदर 98 में हुआ, 2008 में हुआ, 2018 में हुआ, तब इन सबको मान्य था, अब इसलिए नहीं मान्य है कि इनको सूट नहीं होता। 3 बार राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं, महेश जोशी जी 2-2 पद पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम हाईकमान की मीटिंग को बायकॉट करेंगे। मैं आज के बाद कम से कम महेश जोशी जी के फ़ोन के और उनके कोई विप जारी अगर होते हैं तो उसकी मान्य मैं नहीं हूँ। मैडम ये कहा गया प्रताप सिंह जी की ओर से सुबह, उन्होंने कि विधायक अपनी बात को रखना चाह रहे थे इसलिए एक जगह इकट्ठा हुए, कोई अनुशासनहीनता नहीं की गई और राजस्थान में बीजेपी का ये षड्यंत्र है, राजस्थान में सरकार गिराने का एक बार फिर पायलट के मार्फत प्रयास राजस्थान। मैं उनकी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन जो विधायक अब बाहर निकल निकल के कह रहे हैं कि जबरदस्ती साइन करा दिया, हमारी सहमति नहीं है इस्तीफे के अंदर, हम आलाकमान के साथ हैं, उस बात की पोल खोलता है कि शांति धारीवाल जी और चीफ विप महेश जोशी जी ने झूठ बोलकर विधायकों को वहां बुलाया, ये कहा कि पहले आप यहां आइए फिर यहां से जाएंगे, और इसके बाद वहां गेट पे पुलिस लगा दी, बसों में बिठाकर पुलिस लगा दी और सीपी जोशी जी के घर के आगे पुलिस लगा दी, और अब सब निकल निकल कर ये बता रहे हैं कि हमारे को जबरदस्ती बुलाया गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता उनके पास कोई विधायक है। विधायकों की बात करें यहाँ राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले थे, अब क्या होने वाला है राजस्थान, क्योंकि अध्यक्ष के लिए तो नहीं लग रहा कि वो फॉर्म भरने जाने के लिए, नहीं तो दिल्ली बुलाएगी तो जाएंगे ना। ये थी दिव्या मदेना, सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो आप सुन रहे थे दिव्या मदेना को, जो कि ओसिया से कांग्रेस के विधायक हैं और अपनी बातें खुलकर रखती हैं, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो या ना हो वो चीजें अलग बात है, लेकिन वो खुलकर अपनी बातें रखती हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है इसी सियासत से जुड़ी हुई, वो आपको बता दें। देखिए राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 10 जनपद में जो बैठक इस वक्त चल रही है वहां के लिए निकल चुके हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यह बड़ा अपडेट इस मामले में। सचिन पायलट जो है वो जयपुर से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। तो सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, 10 जनपद में जो मीटिंग चल रही है उसका वो हिस्सा भी बन सकते हैं। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की अध्यक्ष पद की रेस में सबसे पहला नाम निकल करके सामने आ रहा था अशोक गहलोत का, जिसको लेकर के राजस्थान में ये पूरा सियासी समीकरण बदला है। लेकिन अब आपको समझाते कि आखिरकार राजस्थान का सियासी गणित है क्या। तो समझिए कांग्रेस 108 पर है, निर्दलीय 13 पर है, माकपा 2 पर है, आरएलडी 0-1 पे है, बीजेपी 70, आरएलपी 3 पर और बीटीपी 3 पर, यानी कि कुल सीट जो है वो 200 है, जिसमें से कांग्रेस के पास बहुमत है, 108 सीटें यहां पर कांग्रेस के पास है। लेकिन अब ये सियासी समीकरण बदला नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए गहलोत की सहमति से चुना जाए नया सीएम,
यानी गहलोत की सहमति के बिना सीएम का चेहरा तय ना हो, यह मांग की जा रही है इनके समर्थक विधायकों की। बिल्कुल, तो ये तीन दाव है, भरोसेमंद विधायकों में से ही किसी को सीएम बनाया जाए। दरअसल जो विधायक है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2020 में जिस शख्स की वजह से राजस्थान में सियासी संकट पैदा हुआ था उससे सीएम की कुर्सी ना सौंपी जाए, बल्कि उन्हें सीएम बनाया जाए जिन्होंने इस पूरे सियासी खेल को बिगाड़ने से रोक दिया था। तो ये इस तरीके से तीन दाव पेश किए जा रहे हैं गहलोत गुट की, ये कुछ शर्तें हैं, बताएंगे अभिषेक। बिल्कुल, गहलोत की प्राथमिकता, गहलोत को लेकर के ये बातें निकल करके सामने आ रही, विधायकों की राय से ही नया सीएम चुना जाए, यानी जो विधायक हैं गहलोत के साथ वो 2020 को याद करवा रहे हैं कि 2020 में आप याद कीजिए कि चीजें किस तरीके से चली थी, अध्यक्ष बनने के बाद ही सीएम पद से इस्तीफा देंगे गहलोत, ये जो है शर्त रखी गई पर्यवेक्षक अजय माकन और खड़गे के सामने। मीनाक्षी, सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए, यहाँ पर लगातार ये जो अशोक गहलोत गुट के विधायक है वो ऐसी मांग कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर बनाया जाता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, यानी 2020 जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे हम कि 2020 को लगातार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम विधायक जो अशोक गहलोत के साथ हैं और उन्होंने जो मीटिंग की थी शांति धारीवाल के घर पर, वो तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए, उनके गुट वालों को सीएम ना बनाया जाए। और अब आपको समझाते कि आखिरकार ये फैसला आसान क्यों नहीं है। एक तरफ अशोक गहलोत गुट है, दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट है। अशोक गहलोत गुट चाहता है कि उनके खेमे से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सचिन का गुट चाहता है कि उनके खेमे से सचिन पायलट को आगे किया जाए। हाई कमान की जो पहली पसंद है वो सचिन पायलट है, लेकिन रोड़ा जो बन रहे हैं वो सीएम अशोक गहलोत बन रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए नाम उनका जो है वो अध्यक्ष पद के लिए आगे आया, लेकिन अचानक से चीजें ऐसे बदली कि अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अध्यक्ष पद की रेस से वो बाहर हो जाएं, क्योंकि इस समय 10 जनपद में एक बैठक भी चल रही है। 1-to-1 राय शुमारी को लेकर के तमाम विधायक जो है वो पीछे हट गए, उन्होंने अजय माकन से कहा कि हम ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आकर के अपनी बातें रखेंगे। अजय माकन उसके लिए तैयार नहीं हुए और बैरंग जो है वो दिल्ली वापस आ गए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से लोकेश जुड़े हुए हैं, साथ ही दिल्ली से रवि जुड़े हुए। दिल्ली से रवि आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपसे अपडेट जाएंगे कि जिस तरीके से बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके ये सामने आ रही है, सचिन पायलट किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, इस मामले में अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जब से लगातार पर्यवेक्षक दिल्ली आए हुए हैं, उनकी मुलाकात कल सोनिया गांधी से हुई थी और उन्होंने अपनी पूरी बात सोनिया गांधी को बताई थी। उसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से अजय माकन को कहा गया कि आप लिखित रिपोर्ट जो है हमें सौंपे, तो थोड़ी देर में अजय माकन भी 10 जनपद पहुँच सकते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है सोनिया गांधी को सौंपेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर सब कुछ तय अगर करना है तो कांग्रेस आलाकमान को करना है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। चाहे अगर एक्शन लेने की बात निकल कर आ रही है, जो 2-3 विधायक हैं जिन पर कार्रवाई करने की बात आ रही है, अगर उन पर भी एक्शन लेना होगा तो सोनिया गांधी अधिकृत करेगी, उसके बाद एक्शन आपको नजर आएगा। पर फिलहाल 10 जनपद पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और सबकी नजर इस वक्त राजस्थान में टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की आज स्थिति उत्पन्न हुई है, कई नेता ये कहना भी शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं राजस्थान पंजाब के रास्ते पर तो नहीं चला गया है, पंजाब वाली जो स्थिति हुई थी वो राजस्थान में ना हो जाए, क्योंकि एक वर्ष तकरीबन बचा हुआ है जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जाना है, और ऐसे में अगर इतना अंतर्कलह निकल कर आता है और इतनी बगावती सुर अगर निकला जाता है, विधायकों को आप सुने, आप मंत्रियों को सुने, वहाँ के समर्थकों को सुने, तो अलग अलग बातें निकल कर आ रही है, और जब इतना गुटबाजी होगा तो जाहिर सी बात है पार्टी चिंतित होगी और 10 जनपद भी इस बात को लेकर चिंतित है। और पर्यवेक्षकों को फिलहाल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, तो अजय माकन जो है अब हिंदी में पूरा एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और उनकी मांग भी हो सकती है कार्रवाई करने की, पर देखना ये होगा कि कार्रवाई में वो किन विधायकों का नाम लेते हैं, किन मंत्रियों का नाम लेते हैं, किन के ऊपर वो कार्रवाई चाहते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसको काफ़ी मजबूत अंग माना जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस कमेटी की तरफ से जो है कोई कार्रवाई हो सकती है मंत्री के खिलाफ में, विधायक के खिलाफ में। एक चीज़ ये बताइए, उनको डराए। रवि, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अब हो सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो जाए या बाहर कर दिया जाए। दोनों ही परिस्थितियों में बड़ा सवाल यह है कि अगर एक कांग्रेस का नेता अशोक गहलोत जैसा कद्दावर नेता, जिसे राजनीति में जादूगर तक कहा जा रहा है, उसने तय किया कि आपके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा बड़ी है, कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी से बेहतर कुर्सी जो है मुख्यमंत्री कुर्सी है, तो अहमियत दिखाता है ये फैसला, अहमियत दिखाता है कि भाई कुर्सी कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक ऐसी पार्टी जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है एक पार्टी, उसके लिए जो अध्यक्ष पद का सबसे आगे दावेदार था, जो सबसे रेस में आगे चल रहा था, वो अगर फैसला लेता है तो फिर अध्यक्ष की कुर्सी की अहमियत पता चल जाती है।
देखिए, अगर आज के समय में अगर बात करें तो गहलोत से ज़्यादा विश्वसनीय, गहलोत से ज़्यादा कर्मठ और गहलोत से ज़्यादा करीबी नेता उम्र के लिहाज से अगर बात करें तो एक लंबा दौर जो है गहलोत ने इस पार्टी के लिए दिया है और गांधी परिवार के साथ में काम किया है, और यही कारण है कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, उन पर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं और इसीलिए उनके नाम की चर्चा बहुत तेज़ थी और वो नामांकन करने भी जा रहे थे। पर अब ये जो पूरा एपिसोड बना है तो इससे जाहिर सी बात है दूरी फिलहाल बनी हुई है। अब अशोक गहलोत की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी चुप्पी साध रखा है, अब उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है वो कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, उसके बाद जो है आगे की जो पूरी सीनरी है वो शुरू हो गया। पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद के बाद अशोक गहलोत ही एक बड़े नेता, एक कद्दावर नेता के रूप में है जो गांधी परिवार के काफ़ी भरोसेमंद और काफी क्लोज माने जाते हैं। पर इस तरह एक चीज लोकेश मैं आपसे समझना चाहूँगा, अशोक गहलोत हमेशा ये कहा करते हैं मैं था से दूर नहीं, यानी मैं आपसे दूर नहीं हूँ, ये साफ कहा करते थे राजस्थान की जनता को। क्या अशोक गहलोत भी यही चाहते थे जो फिलहाल आज हो रहा है, यानी अध्यक्ष पद से दूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करते रहे? जी निश्चित रूप से राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान की जनता से जुड़े रहे हैं और जब भी चुनाव होता है या ऐसा कोई घटनाक्रम होता है उससे पहले कहते हैं कि मैं थासू दूर को नहीं। तो कहीं ना कहीं इन विधायकों के यहाँ पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं कि ये प्री प्लान था, पहले से तय था कि इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह अंजाम दिया जाना है, तमाम विधायक वहाँ इकट्ठे होने। और आज दिव्या मदेरना ने जिस तरह खोलकर कहा कि तमाम जो विधायक हैं उन्हें फ़ोन किया गया था, खुद महेश जोशी द्वारा जो चीफ व्हिप हैं उन्होंने तमाम विधायकों को शांति धारीवाल के आवास पर बुलाया था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए CMR से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश थे। तो राजस्थान में बात की जाए, क्योंकि जब ये तमाम घटनाक्रम हो रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब नाम आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी और एक खेमा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सचिन पायलट की मांग कर रहा था। सचिन पायलट वो नेता है जो 2018 में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार पार्टी आलाकमान से अपनी बात को कहते आए। डेढ़ वर्ष पहले जब यहाँ सियासी संकट हुआ उस समय भी यही मांग थी कि राजस्थान में नेतृत्व बदला जाए। बिल्कुल लोकेश, अब बड़ी बात, अब जो संकट आया है ये संकट के बादल कब छटते हैं ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।